बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कल यानी शुक्रवार को कोलकाता से पटना लौटे हैं। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि नए साल में बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। हम युवाओं के रोजगार पर भी काम कर रहे हैं। साथ ही कहा कि साल के आखिरी दिन आज नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। वहीं बिहार में जेट प्लेन पर चल रही राजनीति को लेकर भी तेजस्वी यादव ने करारा जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिरी बार जेट प्लेन जगन्नाथ मिश्र की सरकार में खरीदी गई थी, अब इसकी ज्यादा जरूरत है तो क्यों नहीं लेना चाहिए। साथ ही तंज भरे लहजे में कहा कि गुजरात सरकार लेती है तो ठीक है, पर अगर बिहार सरकार लेने जा रही है तो राजनीति शुरू हो गई है। तेजस्वी ने कहा कि ऐसे कोई भी केंद्रीय मंत्री का नाम बता दीजिए जो प्राइवेट प्लेन पर घूमता हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार के पास अपना जेट प्लेन क्यों नहीं होना चाहिए, ओछी राजनीति का मैं जवाब ही नहीं देना चाहता। अब तक लीज पर जहाज चलता था, केंद्र सरकार 4,000 करोड़ खर्च कर जेट प्लेन लेती है तब लोगों को दिक्कत नहीं होती। अब बिहार सरकार में सरकारी कामकाज के लिए जेट प्लेन लिया जा रहा है तब लोगों को दिक्कतें हो रही है। ऐसे में मतलब साफ है कि जिस तरह से जेट प्लेन को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर जारी है उसको लेकर तेजस्वी काफी भड़के नजर आए। बहरहाल इन सब के बीच अच्छी बात ये रही कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है वो कल यानी शुक्रवार को कोलकाता से वापस पटना लौट आए हैं, जहां उन्होंने एयरपोर्ट पर पहुंचते ही कहा कि हमारी कोशिश है कि नए साल में बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। साथ ही कहा कि युवाओं के रोजगार पर भी कामकाज जो है वो चल रहा है। साल के आखिरी दिन यानी कि आज नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। जो आपको बता दें कि युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में जेट प्लेन पर चल रही राजनीति को लेकर भी तेजस्वी यादव ने करारा जवाब दे दिया है। बहरहाल आपको बता दें कि आज साल का आखिरी दिन है, ऐसे में तेजस्वी यादव जो हैं वो कोलकाता से वापस आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि नए साल में बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। साथ ही कहा कि हम युवाओं के लिए रोजगार पर भी काम कर रहे हैं और साल के आखिरी दिन यानी कि आज बड़े पैमाने पर बिहार सरकार जो है वो नियुक्ति पत्र बांटेगी।